देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर इस समय कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। कोरोना के सबसे ज्यादा केस मुंबई से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। वजह, मुंबई में टेस्टिंग की प्रक्रिया सबसे तेज चलाई जा रही है। इस प्रक्रिया में एक स्पेशल बस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। संवाददाता अजय दुबे की इस कोरोना टेस्टिंग बस पर यह खास रिपोर्ट देखिए। मुंबई में कोरोना से लड़ने के लिए तैयार की गई इस खास बस को ध्यान से देखिए। ये वो हथियार है जिससे मुंबई में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। मुंबई के NSEI स्टेडियम में बने क्वारंटीन सेंटर के पास खड़ी ये COVID-19 टेस्ट बस रोजाना लोगों का कोरोना टेस्ट कर रही है। मुंबई में कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए जो नई बस लाई गई है, नया ये प्रयोग जिसमें तमाम मेडिकल उपकरण लगाए गए हैं, कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इसे प्रयोग में लाया जाता है, इसे टेस्ट करेंगे हम और क्या कुछ स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस होता है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, एक्सरे की मशीन है। एंट्री करने के संग बस में सबसे पहले एक्सरे किया जाता है। जिस मरीज को कोरोना होने की संभावना होती है उसका सबसे पहले एक्सरे किया जाता है। एक्सरे की तस्वीर डॉक्टरों की टीम के पास स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है। एक्सरे रिपोर्ट देखने के बाद ये तय किया जाता है कि मरीज को कोरोना होने की कितनी संभावना है। ये एक्सरे डिजिटल एक्सरे है, तो अगर आप मास सर्वेलेंस जैसे कि स्लम्स में जाते हो जहां बहुत भीड़ रहती है और लोगों को एक एक तौर पे सबके स्वाब्स आप कर नहीं सकते हो, उनको देखना है कि इनको कोविड की शक्यता है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि एक एक्सरे के जरिए से, ये एक्सरे इंटरनेट के जरिए से क्लाउड में जाता है और वहां पे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेटफॉर्म रहती है जहां पर इंटरप्रेट करते हैं कि ये एक्सरे कोविड जैसा है या नहीं है। अगर ये एक्सरे में कोविड की साइंस दिखते हैं तो फिर हम उसे डिवाइड करते हैं हाई, मीडियम और लो जेनरल। मरीज के कोरोना पॉजिटिव होने का पता उसके एक्सरे से ही लगा लिया जाता है। डॉक्टर मुफी लकड़ावाला से समझिए कि कैसे ये तय किया जाता है कि मरीज में COVID-19 के लक्षण हैं या नहीं। अगले स्टेप में मरीज के गले और मुंह से सैंपल लिया जाता है, जिसके बाद बेहद सुरक्षित ग्लास की एक दीवार की दूसरी तरफ डॉक्टर बैठकर सैंपल को ले लेता है। यहाँ मरीज की मेडिकल हिस्ट्री का भी खास ध्यान रखा जाता है। अगर मरीज डायबिटीज या किसी बीमारी से पहले से ही पीड़ित हो तो उसका ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। डॉक्टर मुफी लकड़ावाला ने ABP न्यूज संवाददाता अजय दुबे का लाइव एक्सरे भी करके दिखाया। सबसे पहले अजय दुबे को सावधानी के साथ एक्सरे मशीन के सामने खड़ा कर उनकी एक्सरे रिपोर्ट ली गई। कुछ ही पलों में एक्सरे रिपोर्ट डॉक्टर मुफी लकड़ावाला के सामने थी। ये इमेज, उसको सिर्फ खोखला था और थोड़ी फीवर थी। 4 या 5 दिन के बाद ये एक्सरे की इमेज हुई थी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर व्हाइट पैचेस है, जैसे कि इसके कंपैरिजन में आपका एक्सरे बहुत बहुत काला है, यहाँ पर ये क्लियर है और ये कोविड है। कोरोना के संकट काल में मुफी लकड़ावाला और BMC की टीम दिन रात मेहनत कर रही है। हालात ये हैं कि इस बस में काम कर रहे लोग पिछले 1 महीने से अपने परिजनों से नहीं मिल पाए हैं। मैं सर्जन हूँ और ये जंग में जब मैं उतरा था तो फैमिली, जो मेरी वाइफ है और मेरे 6 साल का एक बच्चा है, वो पूछ रहे थे पापा आप जा क्यों रहे हो और वापस आप घर क्यों नहीं आ पा रहे हो। तो मैंने कहा था कि मैं आपको मेरा वचन देता हूँ कि मैं वापस आऊंगा और बहुत जल्द आऊंगा ये कोरोना की जंग जीत के। तो मेरे साथ जैसे कि यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर है शरद उगड़े जी और उनकी पूरी टीम, हम लोग कोई भी एक महीने से कोई भी घर पे गया नहीं और हम हमारी फैमिली से बहुत दूर रहते हैं। हालात मुश्किल हैं लेकिन पूरी टीम के हौसले बुलंद हैं। मुफी लकड़ावाला और BMC की इस कोशिश ने मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए एक नई आशा की किरण जगाई है।